नमस्कार दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी कक्षा सातवीं अध्याय सात का मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो दोस्तों, अध्याय एक में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास कर लिया। इस प्रकार उसने अपने आवास को, वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। ठीक है, बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान या वास स्थान कहते हैं। अर्थात बसाव स्थान के चयन के लिए अनुकूल जलवायु की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी आदि अनुकूल प्राकृतिक दशाएं मानी जाती हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। ठीक है, बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं वहाँ की भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्तियाँ पनपने लगीं एवं सभ्यता का विकास हुआ। आपने सिंधु घाटी, तिर्गिस, नील नदी एवं ह्वांगहो सभ्यताओं का नाम सुना होगा। बस्तियाँ स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते रहते हैं। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। यद्यपि आज की अधिकांश बस्तियां स्थायी बस्तियां हो चुकी हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। दोस्तों, आजकल के शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम की समस्या क्यों बढ़ रही है? दरअसल शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोग बड़ी संख्या में नौकरी, बेहतर शिक्षा व चिकित्सीय सुविधा आदि के लिए लगातार शहरों की ओर आते रहते हैं। इसीलिए शहरों में वाहनों एवं आवास की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, आप कल्पना कीजिए कि यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? यही कारण है कि शहरों में अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां बड़ी संख्या में दिखाई देने लगी हैं, जहां लोग भीड़भाड़ एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रहते हैं, जीवन बिताते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है, एक साधारण सी समस्या है, परंतु दूसरी ओर हमारे गांवों में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल तो नहीं हैं, लेकिन गांव में एक प्लस पॉइंट है। क्या? गांव में बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताजी हवा मिलती है। ठीक है, ऊपर दिए गए विवरण से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं। बस्तियां कितनी प्रकार की हमारे नज़रों में आती हैं? ग्रामीण,
बस्तियाँ और शहरी बस्तियाँ। गांव ग्रामीण बस्ती होती हैं जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है, ठीक है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं, जबकि प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्रों में फैले हुए होते हैं। इस प्रकार की प्रकीर्ण बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफार्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी हुई होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है, ठीक है। टुंड्रा जलवायु प्रदेशों में बर्फ से बने आवास पाए जाते हैं, उन्हें एस्किमो जाति के लोग बनाते हैं। इन घरों को इग्लू कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इन घरों को क्या बोलते हैं, इग्लू। जबकि नगरी बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरी क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। आप अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों एवं शहरों के नाम अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज के साथ ही परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। हमारे देश में परिवहन के लिए सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत के क्षेत्रों में लामा का उपयोग उसी तरह से होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है, ठीक है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थली मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का ही समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। दोस्तों, परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। आइए हम इनकी जानकारी अलग अलग प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सड़क मार्ग के विषय में। कम दूरी के यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले साधन मार्ग सड़क ही है। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा दिखाई पड़ता है, लेकिन मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का विनिर्माण नवीनतम है, अभी अभी प्रारंभ हुआ है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। अब नंबर आता है रेल मार्ग का। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं
भारी सामान को ढोने का कार्य होता है, इतना तो आप सभी जानते हैं। बाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। वर्तमान में डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से बाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। अब बाष्प की रेलगाड़ियां दिखाई नहीं पड़ती हैं, अब सिर्फ यह प्रदर्शनी के रूप में देखने को मिलती हैं। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ मिलता है। उन्नत प्रौद्योगिकीय कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना अब संभव हो गया है, परंतु इनकी संख्या काफी कम है। जायनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। ध्यान रखिएगा, भारतीय रेल नेटवर्क एशिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। एशिया महाद्वीप का ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। ध्यान रखिएगा, एशिया महाद्वीप का ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। कहां तक जाता है? पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ठीक है, अब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जल मार्गों की। दोस्तों, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। जल मार्ग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग एवं दूसरा समुद्री जल मार्ग। नाब नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग हैं, पहला गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जल मार्ग, दूसरा उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक जल मार्ग तंत्र, तीसरा अफ्रीका में नील नदी जल मार्ग तंत्र। ठीक है, समुद्री एवं महासागरीय जल मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामानों को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े हुए होते हैं, पत्तने मतलब बंदरगाहों से। विश्व में कुछ महत्वपूर्ण पत्तन ये हैं, एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जनेरो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ठीक है, आप विश्व के कुछ और पत्तनों के भी नाम पता करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वायु मार्गों की। वायु मार्ग 20वीं सदी के आरंभ में विकसित परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन भी है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूरस्थ स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है वहां। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन ये हैं, दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। कौन से महत्वपूर्ण हवाई पत्तन हैं? दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। अब हम आगे बात करेंगे संचार की।
ठीक है। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। आप संचार के इन साधनों को जानते हैं, इनके नाम लिख सकते हैं। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार या संवाद स्थापित कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहा जाता है। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। क्या? खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में हमारे सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। ठीक है, तो अब बारी आती है प्रश्नोत्तरी की। ठीक, हमारा पहला प्रश्न है, परिवहन के चार प्रकार क्या हैं? परिवहन के चार प्रकार क्या हैं? बस्ती से आप क्या समझते हैं? बस्ती से आप क्या समझते हैं? तीसरा, ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या हैं? ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या हैं? रेल मार्ग के किन्हीं दो गुणों के बारे में बताएं? रेल मार्ग के किन्हीं दो गुणों के बारे में बताएं? अगला, संचार से आप क्या समझते हैं? संचार से आप क्या समझते हैं? अगला, जनसंपर्क के माध्यम क्या हैं? जनसंपर्क के माध्यम क्या हैं? अगला, 30 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। किन पर? टेलीफोन, फ्लाई ओवर, एक्सप्रेस वे, जलमार्ग, रेलगाड़ी, प्रदूषण मुक्त परिवहन, इंटरनेट, विश्व के नदी मार्ग, स्टिल्ट मकान, अंतर्देशीय जलमार्ग। इन पर आपको टिप्पणी लिखना है। अगला, कारण बताइए कि आज विश्व क्यों सिमटता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से NCERT कक्षा 7वीं भूगोल के पाठ 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार नामक यह चैप्टर समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे कक्षा 7 के भूगोल के 8वें चैप्टर मानव पर्यावरण अन्योन्याश्रय उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के वीडियो के साथ। हमारी यह श्रृंखला नियमित देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले एपिसोड तक के लिए आपके दोस्त राही का नमस्कार। जय हिंद।